फ्रेंड्स, सर्दी आते ही हमें याद आता है अचार। अचार हर किसी को खाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि अचार के बिना हमारा खाना अधूरा सा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम ठंडियों के फेमस अचार जो कि है अदरक और हरी मिर्च का अचार, उसको उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। वो डालना बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत ही लजीज लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अचार की रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं। बनाते हैं अदरक हरी मिर्च का टेस्टी सा अचार। तो फ्रेंड्स, अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें कटिंग करनी होगी, तो चलिए हरी मिर्च और अदरक की कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स, देखिए ये हमने लीजिए, सभी हमने चीजों हरी को मिर्च और अच्छे से अदरक को कट लंबे कर लंबे लिया है। स्लाइसेस अब में हम काट चलते हैं लिया है। गैस की अब हम तरफ और चलते अपनी इसके लिए गैस एक की तरफ मसाला और तैयार इसके लिए करते एक हैं, मसाला जिससे कि बनाते हमारा हैं, जो अचार कि बहुत ही हमारे अचार टेस्टी का बनेगा स्वाद और भी और ज्यादा खाने बढ़ा में भी देगा। बहुत ही लगेगा। फ्रेंड्स, अब गैस पे कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में एक कप धनिया ऐड करते हैं, एक चम्मच जीरा ऐड करते हैं, हाफ टी स्पून मेथी ऐड करते हैं, एक टेबल स्पून सौंफ ऐड करते हैं, और हाफ टेबल स्पून इसमें हम अजवाइन ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, इन सभी को अच्छे से सेक लेते हैं। इन्हें हमें 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है, क्योंकि रोस्ट करने के बाद हमें इन्हें अच्छे से ग्राइंड करना है। इनको धीरे धीरे ऐसे ही स्लो फ्लेम पे सेकते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने इसको 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें अगर आपके पास काली सरसों है तो काली सरसों ऐड कर दीजिए, पीली है पीली ऐड कर दीजिए, नहीं तो राई ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर राई ऐड की है, और इसको भी थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारे सारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर इसको जरजरा सा पीस लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम एक बॉल लेंगे, बॉल में अपनी हरी मिर्च को ऐड करेंगे जो हमने कट करके रखी थी। अपने सारे अदरक को भी ऐड कर देंगे। अब हमने जो मसाला पीस के रखा है उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, हिसाब से ऐड कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी मिर्च कम हो और मसाला ज्यादा हो, तो क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको ऐड कीजिए। उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अदरक है तो नमक को थोड़ा सा तेज ही रखिएगा, और थोड़ा सा जीरा, और इसमें आधा कप ऑयल ऐड कर दीजिए। अब हम इसको 1 स्पून से अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि हमारे सारे मसाले और अदरक हरी मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब या तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए इसमें ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो नहीं कोई कांच की बरनी हो उसमें आप इस अचार को भरकर 1-2 दिन की धूप दिखा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, आपका अचार बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसे अभी हाथ के हाथ भी एक बरनी में भर के रख सकते हैं और 1-2 दिन की धूप दिखाकर इसको यूज में ला सकते हैं। जब भी आप अचार को निकाले, एक सूखी चम्मच से निकालिए, नहीं तो अचार खराब होने का डर रहता है। तो फ्रेंड्स, नहीं तो इस अचार को थोड़ी देर के 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दीजिए और उसके बाद इसको भरिए। फ्रेंड्स, दाल चावल के साथ मिर्च का अचार बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।